रामदास नाम है। रामदास चेला जग रामदास कबीरपंथी आश्रम से बोल रहा हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि भाई यहाँ कैलाश पुजारी मादरा कलां के अंदर आएंगे, तो मैं भी गांव की समक्ष ये फरियाद रखना चाहता था ताकि गांव का राम को ये पता चले कि भाई पुजारी ईमानदार आदमी कितना है, ताकि जब मैं खुद कर्जा मांग रहा हूँ और ये कहते हैं रामविलास के मुझे रामविलास से किसी और राजनेता से कोई संपर्क मेरा नहीं है, ना मैं उनसे मेरा कोई संपर्क है, ना ही मैं उनके द्वारा कोई किसके कहने से मैं आया हूँ, मैं अपनी स्वेच्छा से आया हूँ और मैं स्वेच्छा से ही गांव के सन्मुख ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं पुजारी के 25 लाख रुपए मांगता हूँ। कब के लेन? सन 2009 की लेन देन है। मैं अपनी जमीन किसी एक खानपुर के व्यक्ति है जो सुनील कुमार सन्मुख महावीर प्रसाद है, उसने इस कैलाश पुजारी की जमीन का एग्रीमेंट कर रखा था, करवा लिया, और सुनील ने कैलाश पुजारी को पैसे दिए थे और कैलाश पुजारी से पैसे न पाटने की वजह से सुनील अपनी उन 3 किलों की रजिस्ट्री करवाने के लिए 7-8 दिन बकाया रह गए थे। उसने कहा कैलाश या तो मेरे को पैसे दे दे, नहीं मैं तेरे इन 3-4 किलों की रजिस्ट्री करवाऊंगा, मतलब नहीं है। लोगों का ये कहना है कि भैया मैं हर प्रोग्राम में तो क्यों जा रहा हूँ कि मेरा मादरा कला मेरा गांव है, लाउन भी मेरा नहीं, कोई मेरा कोई राजनीति से कोई संबंध नहीं है। फिर आपको कैसे पता चलता है आज वहाँ प्रोग्राम चलता है? अगर ये जब लाउन में गया था तो लाउन में कहा कि कल मादरा कला के अंदर प्रोग्राम है, तब मेरे को पता चला कि भाई मादरा कला में है, तो मैं मादरा कला में पहुंच गया। मैं ये गांव में जब ये हर गांव के लोगों को नुमाइंदों को ये बताना चाहता है कि रामविलास के मैं इतने मेरा पैसा इतने खा गया इतने खा गया, तो मैं भी जनता को ये प्रदर्शित करता हूँ कि ये पुजारी जब इतने पैसे बांट रहा है तो पुजारी स्वयं जब मेरे पैसे खा गया तो ये इसके पास पैसे मैं क्यों सो रहा था जब इसके पास उसका सुनील कुमार का जो एग्रीमेंट था उसकी हाजिरी लगाई और फिर उसकी हाजिरी लगने की ये मुझे डेट का ना मालूम हो, वो तो जनता की क्या है कोई तर्क वितर्क तो सही करेंगे, तभी विरोध हुआ होगा। नहीं गलत कैसे थे, जब मैं चीज दी है तो मैं किस लिए आया? मैं 25 लाख रुपए मेरे वहाँ जमीन बेची थी उसके पैसे आए थे और मैं उससे बार बार कम से कम भी कितनी सैकड़ों बार मांग चुका था, लेकिन बोले यही आश्वासन देता रहा कि दूंगा मीडिया के समक्ष। जब मीडिया मेरे से दस्तावेज की अगर उपलब्धि करो कहेगा मांगेगा तो मैं देने के लिए तैयार। अभी मीडिया अब हाल घड़ी मेरे पास नहीं है ना मैं लेके आया। कल लावन के ग्रामीणों का कहना था कि कुछ ऐसा कुछ जब लावन था भाई, लावन जमीन के बोली जो है पंचायत मंदिर के अंदर जो मैंने साधु छोड़ रखा है और मेरी गद्दी है मैंने छोड़ रखा है, उसकी जमीन का माल जो है वही जिस गद्दी पर जो साधु छोड़ रखा है वही ले रहा है, मेरा यहाँ उस जमीन से कोई एक नए पैसे का कोई ताल्लुक नहीं। तो ग्रामीण बिल्कुल पूर्ण रूप से निराधार है।